أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हमने नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 1 हरूफ मुफरिदात अलिफ से लेके या तक, जिन्हें हरूफ तहजी भी कहा जाता है, उर्दू कायदे में इनको पढ़ने का तरीका अलग है और ये अरबी कायदा है, यहाँ इनको पढ़ने का तरीका अलग होगा। तो आइए आज हम इनकी मश्क करते हैं। अलिफ 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 बा 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 जो है ये दोनों होंठों से अदा होगा। बा बा ता 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 ता। ये देखिए ये सा है, इसको हमने नरमी से अदा करना है, इसमें सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। सा सा ठीक है। सा सा जीम 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 जीम। हा 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 को बिल्कुल आपने हलक से अदा करना है, हा जो है गले के दरमियाने हिस्से से अदा होगा। हा 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 खा खा। ये ग्रीन निशान जो है इसीलिए यहाँ दिया गया क्योंकि ये हरूफ जो है इनको पुर करके यानी इनको मोटा करके पढ़ेंगे। हरूफ तहजी में जितने भी ग्रीन निशानात वाले अल्फाज हैं इनको आपने पुर यानी मोटा करके पढ़ना है। किस तरह? खा 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 दाल 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 दाल। जैसे हमने सा को अदा किया था इसी तरीके से हमने दाल को भी नरमी से अदा करना है, सीटी जैसी आवाज नहीं आनी चाहिए। दाल 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 दाल। ये देखिए फिर ग्रीन निशान। र र र र जा जा। अब यहाँ जा है, इसमें आपने थोड़ी सी सख्ती यानी सीटी जैसी आवाज इसमें आएगी। जा 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 जा। सीन 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 सीन। शीन 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 शीन। स्वाद स्वाद। देखिए ये दोनों हर्फ जो हैं ग्रीन कलर में हैं, इनको आपने पुर करके यानी मोटा करके पढ़ना है। स्वाद 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 स्वाद। दाद 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 दाद।